दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों ये न्यूज़ सुन के आपको या तो हंसी आएगी या तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि हो क्या रहा है इंडिया में। दोस्तों कुछ समय पहले आपने सुना था कि रियलमी की इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली है, अब भैया ओप्पो ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि ओप्पो भी अपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने वाला है इंडिया में, वो भी टू व्हीलर। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाने वाला है, ये एक्चुअल में वर्क करना स्टार्ट भी कर दिया। इन्होंने डेडलाइन भी बता दी कि कब तक ये लाने वाले हैं इंडिया में। ये एक चाइनीज प्रोडक्ट कंपनी है, रियलमी भी चाइना का ही प्रोडक्ट है, ओप्पो भी चाइना का प्रोडक्ट है। हम लोग बात कर रहे हैं चाइना को बॉयकॉट का, और यहाँ पे तो ये लोग गाड़ी डेवलप करने भी लग गए और इंडिया में लॉन्च करने का भी सोच रहे हैं। हालांकि बॉयकॉट चाइना हमने काफी समय पहले बोला भी था एंड उस पर एग्री भी करते हैं, लेकिन स्टिल चाइना का बहुत सारा प्रोडक्ट आज भी इंडिया में सेल किया जाता है। ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, वो देखने को मिलता है, रियलमी, शाओमी, ये सारे चाइना के ही प्रोडक्ट है जो इंडिया में सेल किया जाता है। हालांकि उसमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लिखा रहता है, लेकिन प्रोडक्ट आता बाहर से ही है, असेंबल्ड इंडिया में होता है। सेम चीज विद ओप्पो एंड रियलमी के इलेक्ट्रिक स्कूटर, बोल सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आएंगे और असेंबल्ड होंगे, प्रोडक्ट पूरा रहेगा चाइना का। तो ये तो वही बात होगी, लाइक अब तो रेस में घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे, समझे, यही चीज होने वाला है। बस अब पता नहीं आगे और क्या क्या सुनने को मिलेगा। तो इस न्यूज के ऊपर पूरा डिटेल सुनना है तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रियलमी काफी समय से ट्राई कर रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे भी करके इंडिया में लॉन्च किया जाए। हालांकि इन्हें ट्रेडमार्क प्लेटफॉर्म पर जाके रजिस्टर्ड भी किया है गाड़ियों के नाम, सेम ओप्पो ने भी किया है, ओप्पो ने भी गाड़ी के नाम रजिस्टर्ड किया है ट्रेडमार्क पे। अभी तक वो लीक नहीं हुए, लेकिन आजकल में वो आ जाएगा कि किस नाम से इन्होंने रजिस्टर्ड किया है ट्रेडमार्क में। एक्चुअल में जो भी गाड़ी लॉन्च होती है इंडिया में उसको पहले वहाँ पे नामकरण करना पड़ता है एक टाइप से, उसके बाद ही आप उस पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओप्पो ने भी कर दिया है। इन्होंने एक और चीज और बोली है कि भाई हम इस पे काम करना स्टार्ट भी कर चुके हैं और ये आपको देखने को मिलेगी 2023 के अंत में या 2024 के स्टार्टिंग में, आपको ये टू व्हीलर इंडिया में देखने को मिल जाएगा। जो कंपनी के सीईओ है टोनी चैन, उन्होंने ऑलरेडी मीटिंग करके बता दिया है कि बैटरी मैन्युफैक्चर कहाँ से होगा, सप्लाई कहाँ से होगा, सब कुछ उन्होंने डिसाइड पहले ही कर लिया है, ऑन एडवांस चल रहे हैं कि इंडिया में कैसे वो कैप्चर करें कि कम वैल्यू में अच्छी चीज प्रोवाइड करना टू द इंडियन कस्टमर, चाहे वो चाइना को हो चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ मेड इन इंडिया लिखना ही है। जैसे दूसरे फोन्स में देखने को मिलता है, शाओमी के फोन्स में देखने को मिलता है, इन इवन ओप्पो के फोन में देखने को मिलता है, तो सेम चीज कंपनी अब गाड़ी के साथ करने वाला है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, लेकिन सब कुछ एक्सपोर्ट होके आएगा चाइना से। तो आपका क्या मानना है, क्या हमें इन टाइप की गाड़ियों को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका ओपिनियन क्या कहता है? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है, बजट चीज देखती है कि जिस पर अच्छा चीजें मिले। फोन में भी वही कहानी है, लेने को तो फोन बहुत सारे हैं, लेकिन बजट में देखने जाएंगे तो फिर ऐसे फोन देखने को मिलते हैं, तो लोग वही परचेस करते हैं। एंड ये फैक्ट है, इंडिया का फैक्ट है, हम इसको नकार नहीं सकते, ना आप ना मैं, कोई नहीं नकार सकता। वो इसलिए ही परचेस करते हैं क्योंकि कम प्राइस में अच्छी वैल्यू मिलती है, मिडिल क्लास फैमिली ऐसे जाता है। अगर टू व्हीलर भी आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये सस्ती होगी, तो पब्लिक मोस्ट प्रोबेबली इन गाड़ियों को भी परचेस कर सकती है। आई एम नॉट श्योर, देखते गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इस चीज़ पे बहुत मैटर करता है। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ सुन के? मेरे को तो हंसी आ गई, मतलब कोई भी इस रेस में आ रहा है, दौड़ रहा है इंडिया में। आपका मानना जो भी हो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।